रिक्वेस्ट है कि मजलिस दे विच तशरीफ लावो। साढ़े कोले बड़े बेहतरीन सैयदजादा मौला दे बड़े बेहतरीन मदाहान इस टाइम मैंबर दे उत्ते तशरीफ फरमा ने, तो मेहरबानी है कि अंदर लैवो तशरीफ ताकि मजलिस का आगाज़ करिए। हुण तुहाडे सामने कारी उल कसायद सैयदजादा बाबा मजर काजमी ऑफ टोबा टेक सिंह मौला दे फजाइल और मसाइब बयान फरमाएंगे। لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَلَّى اللَّهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَاصْطَفَى اللَّهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ بِعَلِيٍّ الْمُرْتَضَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّعْمِ وَالنِّعْمَ بِالشُّكْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ या मल्ला यसरिफ़ुस्सू इल्लाहु या मल्ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लाहु या मल्ला युज़िलुज़्ज़ामल मौता इल्लाहु हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ाहिरु वल बातिन वहुवा बिकुल्ले शय्यिन अलीम وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبحق كاف ها يا انصاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كامل الهاد ياسر يامل صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين سرحد شرك سے ہے دور بہت فکر میری کتا پہلا پہلا جناب جی خدمت عالی عرض کر رہے سرحد شرک سے है दूर बहुत फिक्र मेरी खूब मुझको हुनरे हमदो सना आता है जरा थोड़े जे जाके खूब मुझको हुनरे हमदो सना आता है मैं खुदा तो नहीं कहता हूँ अली को लेकिन कोई कहता है तो सुनने में मजा आता माशाल्लाह। बस मैं जनाब जी तवज्जो वास्ते एक अता दुआ पढ़ी बड़ा पुराना तड्डा मैं पुराना खिदमतगार जनाब हाँ बच्चे अजीज सारे मेरे सामने माशाल्लाह
शुक्र है मेरे मौला दा जिक्र वास्ते वक्त अता होया। बड़े खुश नसीब लोग हो बजुर्गों के वेले का बाबू खुशी दे मिलन सरकार उन्होंने दरजात भी बुलंद हो बाबू ज़ुल्करनैन शीरा साड़िया संगत साड़िया सारिया संगत साई लोग सारे बैठे हो तुसी जो कि मसरूफ सलामे शोहदा रहता है खुद तो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। जिक्र आलिया का ना जनाब जिक्र अल्लाह की जात पाक का भी ये वाद है फज कुरूनी अज कुरकुम बश कुरूली वला तक फरून ए जे बंदे कदी पक्के लो माशाल्लाह थोड़े जे बस काफी इस तरह एज भी ऐसी कुछ नसीहान वगैरह का गलब होता गल जेहन च नहीं रही मेरे दिला में एक सलाम सुनाई है लेकिन वो मेरे सलाम जेहन च नहीं आ रहा। अल्लाह की जात पाक ने कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरू तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाड़ा जिक्र करे ये अल्लाह दा फैसला कुराने मुकद्दस पर जिक्र जिहड़ा जारी है सारी है असल वो वादा अल्लाह दा वफा हो रहा अल्लाह दा वादा पूरा वो तो सच्चा बादशाह वादे पूरे करन वाला जिवें जिक्र जारी है सारी मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला च कीता नबियां तो भी मंजिल वधा ली और सजदा ऐसा दिता जे मालिक ने चूंकि उसका वादा तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाड़ा जिक्र करे सा उस जिक्र के तहत ये जिक्र जारी हो सारी है क्यामत तई सरकार का जिक्र होता रहना जिक्र अंबिया का भी उसी जिक्र अल्लाह बादशाह का भी उसी लेकिन मजलिस मेरे मौला हुसैन के ना अल्लाह तुम सलामत रखे मुझे इब्तदाई गल्ला मैं जनाब की खिदमत आ रही पिछली बारी भी हाजिर खिदमत ना हो सके उस तो पहले मजलिस मेरे ख्याल लाइव जा रही है पर सिबतैन और फरमाइश है भी जरा सुनया है वाकया मैं जनाब की खिदमत आई अर्ज कर देना जे मुख्तसर लफ्ज़ चूंकि इन्हें भी पढ़ना है मेरे बाद बड़े बाद भी और भी कोई माशाल्लाह तो मेरे मतलब समेट के ना हाँ इस तरह नहीं भी मैं वरना गल तो करें तो बहुत ज्यादा वक्त मेरे पाक मौला ने नबी आखिर उस जमान सरकार खातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने सन हुक्म दिता अपनी मजलिस नज़ीनत दियो मेरे वीर अली दे जिक्र नाल बस मैं हुण समेट लेना मैं चूंकि मैंने एहसास हो गया लंबा मैं नहीं पढ़ना एक चार मिसरे जनाब की खिदमत पेश करने मेरे वीर अली दा जिक्र करो सरकार ने फरमाया अपनी मजलसन जीनत दे तवज्जो है ना सारे दी आवाज ठीक आ रही है मेरे भाई मेरे वीर का जिक्र करो हूँ आप भी तो सरकार ने जिक्र किया सन फरमाया ने तो आप भी जिथे जिथे मौका मिलया मौके की मुनासबत नाल अपने वीर वजीर का जिक्र किया ये तो हो ही नहीं सकता बसाना आखन तो आप न करें तो जो आप किया ना जिक्र तड़ी तवज्जो होवे ते इंज मेरे ख्याल कायनात इंज कुल किसे कुल हो ही नहीं सकना सरकार ने जो हज़रत तवज्जो गल नाले पास ध्यान साहबा का मजमा बैठा वा साहबा कराम तशरीफ रख दें जनाब ने फरमाया अन नज़रो इला वजहे अली ये इबादत याद रखो मेरे वीर अली दे चेहरे ते नज़र करना इबादत है सुभान अल्लाह बहुत बड़ा जुमला बहुत बड़ी हदीस है साहबा विचों एक बंदे आखे भाई या रसूल अल्लाह एक ऐसी इबादत है जिहड़ी मौला अली दी ज़ाहिरी जिंदगी ते लोग कर लै सन ते मौला अली जिसले दुनिया तो टुर गए
तो बंदे इबादत तो महरूम रहे बस। जनाब ने फरमाया नहीं महरूम रहते, उन्हों का भी इंतजाम किया वा। मेरी गल याद रखी तो अगे लोगों ने दसी, जिसले अली दुनिया छोड़ के टुर गए उस वेले मेरी गल याद रखी तो दसी दुनिया ने जिक्रो अली ने बाद तवज्जो तवज्जो अली वली का जिक्र इबादत। उस बंदे सवाल कर दिता यार रसूलुल्लाह इंज भी हो सकता जिक्र तो पाबंदी होवे जमाना मुखालिफ होवे कोई अली वली का जिक्र न करन दे तो फिर क्यों हो सी। जनाब ने फरमाया फिर भी ये इबादत जारी रहा सी, ये जे दौर आया तो याद रखी लोगन दसी हुब्बो अली ने बादा। जरा जाग के जरा अली वली दी मुहब्बत भी इबादत। उन्हें चार मिसरे मैं जनाब की खिदमत पेश करने त्रै फरमान तो चौथा मिसरा त्रिया फरमाना का नतीजा नजरो इलावजे अली ने बादा, जिक्रो अली ने बादा, हुब्बो अली ने बादा। अली वली की विला एक नेहा इबादत है। जरा जा के मेहरबानी करनी नेहा छुपी हुई इबादत मुहब्बत दिल च होती है इबादत जारी रहती इस नेहा इबादत आखे। माशाल्लाह बड़े साहिबान फिक्र और बड़े मोहब्बत नाल सरकार का जिक्र समाज फरमा रहे। अली वली की विला एक नेहा इबादत है तो जिक्र है दर सफदर या इबादत है। यह जिक्र हो रहा यह जाहिर इबादत है, इस तो इनकार कोई नहीं कर सकता। जोड़ा इनकार करे सी वो कुफर करे सी, सरकार दे फरमान दे इनकार कुफर। फिर सुनो जनाब तुसी भी जरा ध्यान दें, अली वली की विला एक नेहा इबादत है तो जिक्र है दरे सफदर या इबादत है। ज़ियारत शह मर्दा भी हाँ इबादत है, नतीजा अली बगैर इबादत कहाँ इबादत है। दरी बहुत मेहरबानी जनाब, बस है मोहब्बत नाल जनाब ने समाप्त फरमा रहे। मैं फरमान जरा पूरा कर ली, फरमाइश है अंजे दो दो जुमले इख्तिसार नाल। इबादत है सरकार के चेहरे ते नज़र करना। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम दा तख्त फज़ाज परवाज कर रहा जमीन ते, कीड़ी ने सरदार ने कीड़िया नाल गल की जल्दी करो अपने अपने बिल च घुस जाओ, ऐसा न हो सुलेमान की फौज तुहानू कुचल दे। जरा जा के सुनना मेहरबानी कर, आवाज़ तो ठीक आ रही है ना, बस जरा पता लगे मैं हाथ साथ खोल के तो कोई ए जरा वाह वाह जबान नाल भी ना कोई माशाल्लाह काफ़ी सारे बैठे हो जवान बैठे हो मोहब्बत नाल आए बैठे। जनाब ने वो गल की थी दो चार किलोमीटर फजा च सुन ली, जनाब फजा च प्रवास करें कीड़ी की गल जमीन तो जनाब ने सुन ली उत्तों बुलंदी तो। जिसलै कीड़ी आखे ना जल्दी करो बिलें च घुस जाओ ऐसा ना हो सुलेमान की फौज तुहानू कुचल दे। हुण जनाब ने फरमाया गुस्ताख ने मेरे दरबार च पेश करो। इसके आख्या कीड़ी मुलजम है मैं जल्दी जल्दी पेश करा तो पुलिस के जी होनी है कोई मच्छर गया होना। जनाब ने फरमाया उसने नप के लिया मेरे को, मुलजम आ गया हाथ पैर बदे ने जनाब तख्त फजा च है। जनाब ने फरमाया तू अपनी कौम नू ए आख्या जल्दी करो बिल च घुस जाओ ऐसा ना होवे सुलेमान की फौज तुहान कुचल देवे। तेरा के ख्याल है बे असी जालिम जरा जाहिर असी रात है बेगुनाह मखलूक न मरें दे वद्या कि नहीं सरकार तुसी ता आदल दे नबी हो तुसी किस तरह जालिम हो सकते। जनाब फरमाया फिर तेरा के ख्याल है सन नज़र नहीं आता, ध्यान है ना जनाब का। उस कि जनाब जे जमीन तो इतनी बुलंदी तो मेरी गल सुन सकते हो वो वेख भी चंगा सकते हो यकीनन जनाब नज़र आता। जनाब ने फरमाया फिर तू क्यों अपनी कौम नू आख्या जल्दी करो बिलें च घुस जाओ ऐसा ना होवे सुलेमान की फौज तुहानू कुचल दे। कीड़ी आदि है हजरत मेरे हवास जरा बजा लैन दो तो मैं अर्ज करे नहीं है। जनाब फरमाया मेरे को वक्त नहीं अगर बहुत सारा तू वक्त जाया कर छोड़िया जल्दी मेरे सवाल दे जवाब दे तू अपनी कौम ने यह आख्या तो क्यों आख्या जरा ध्यान दे भाई मेहरबानी करे। मैं समेट रहा
लंबा लंबा नहीं करना जी जी। लो जी ये जिसलै इतना सुने तो सखे जनाब मैं अर्ज करे नहीं है साड़ी नमाज दा वक्त आ। क्या बात है ये सारी कौम मेरी जनाब दे तख्त दा नज़ारा कर रही है। मैं इन्हें सिर्फ डराया भाई ये वेद्या वेद्या तुहाडा तख्त साड़ी नमाज दा वक्त ना गुजर जाए। मैं इन्हें आख्या बिलेज दाखिल हो जाओ डरा दिता नमाज वास्ते। जनाब खुश हो गए जनाब ने फरमाया तू तो बड़ी सियानी मैं दो मिनट च गल मुकाई तू तो बड़ी सियानी है ये हाथ पैर खोल दो। मुलजम आजाद हो गया जनाब ने जगा के हथ तकीरी रख ली। जनाब फरमाया चूंकि तू बड़ी सियानी है मेरे एक और सवाल का जवाब दे। जनाब फरमाओ जो कोई गल देने चाहिए तो मैं जवाब दे सा। जनाब फरमाया सादा जो सवाल दस तू अफजल है या मैं अफजल हाँ जरा जगह इधर तू अफजल है या उस सके या मौला मैं ये के जवाब दें जे मैं ये आख भी छोड़ा पर तुसी अफजल हो तो लोग के आखसन ओ सुलेमान जड़ा ही कीड़ी तो अफजल है। को मुकाबले वाली जा भी तो होवे। जनाब फरमाया मैं सवाल का जवाब चाहना तू सवाल का जवाब दे बस मैं सर मैं मेरे पास वेख रहा उस सके जनाब जो जवाब चाहते हो तो फिर मेरे भी दो सवाल। जनाब फरमाया दस सके ये तो फरमाओ तुहान कह चाहे वाह मेरे पास वेख्या है भाई सारे मेरे पास तुहान जनाब फरमाया जल जो सवाल कर छुड़ी कोई पूछने वाली गल मेरा तख्त हवा च है मैंने हवा च आए वा उस सके बस जनाब एक और जल जो सवाल ये फरमाओ मैन कह चाहे वाह। जनाब फरमाया दूजा जल्ला सवाल की तू मेरे हथ है तेन मैं चाहे जनाब फिर फैसला आप कर लो जिसने हवा चाहे वा वो अफजल है या जिसने अल्लाह के नबी चाहे वा वो नारा है दरी। बस जनाब मैं एक बंद थोड़ी खिदमत पढ़ता थोड़ी तबीयत वेख के अज दे वसा वक्त बिल्कुल मुख्तसर है चूंकि एक बंद समाप्त फरमा लो। जेड़े मिंबर ते नाज़ मनींदे हन खत्म ए बंद एक सुन लो थोड़े वास्ते काफ़ी और आसी। जेड़े मिंबर ते नाज़ मनींदे हन ते उही मिंबर अगे खलवाई गई आई सच्चे प्यो दी सच्ची बचड़ी दरबार दे विच झूठ लाई। बिस्मिल्ला कुर्बान इको बंद मैं पढ़ने पहला पहला दर्द पेश कर रहा बड़ा वड्डा दर्द है अज कह रहा जेड़े मिंबर ते नाज़ मनी दे हन ते जुवी मिंबर के खलवाई गई आई सच्चे प्यो दी सच्ची बचड़ी दरबार दे विच झूठ लाई गई अज कह रहा एक दो नहीं पूरे छे घंटे ते दी बेजत भी करवाई गई वत हर बाजार दे मोड़ उते इंदी बचड़ी कतल कराई। अल्लाह 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 अल्लाह